आज तक। हम आपको बताएं कि दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं, उसके पहले एक बड़ी खबर करनाल से आ रही है, हरियाणा में करनाल। जी हां, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विधानसभा क्षेत्र, वहां बताया जा रहा है कि करनाल में कर्ण लेक के पास यानी कि करनाल सीमा पर बड़ी तादाद में इस समय किसानों का जमावड़ा हो चुका है, जो कि दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। सुबह से पंजाब और हरियाणा में लगातार जगह जगह पर किसानों ने इस तरीके से एकजुट होकर प्रदर्शन करने और देश की राजधानी दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश की है। अभी तक सुरक्षा बल, पुलिस के जवान उनको कंटेन करने में कामयाब रहे हैं काफी हद तक, लेकिन इस समय की जो तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, करनाल से आ रही है ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें अब से कुछ ही सेकंड पहले की, जहां बड़ी तादाद में किसान एक बार फिर इकट्ठा हो गए हैं और ये किसान देश की राजधानी दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहते हैं, दिल्ली में जाकर वो प्रदर्शन करना चाहते हैं। किसानों की नाराजगी केंद्र सरकार से है, केंद्र सरकार ने 3 बिल पास किए, सरकार कह रही है कि हम किसानों को आजादी दे रहे हैं, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दीजिए तभी इस आजादी का लाभ है। अब केंद्र सरकार की तरफ से कृषि मंत्री का ये कहना, 3 दिसंबर को बातचीत करेंगे। गौरव भाटिया हमारे साथ है इस वक्त लाइव, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है हमारे साथ। अभय दुबे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस समय लाइव आ चुके हैं।